गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है समास के टॉपिक के अंतर्गत। हम आपको समास का जो टॉपिक है वो आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। समास का टॉपिक का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम समास के भेद नंबर 3 और भेद नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में, जो प्रीवियस दो क्लासेस थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं उनमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है और वो कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तो उसे हमने क्या कहा, समास। फिर समास के अंतर्गत जो दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, हमने उनके बारे में चर्चा की। कल हमने समास के दो भेदों के बारे में चर्चा की, पहला था तत्पुरुष समास और दूसरा था बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में भी फिर दो समास थे, पहला था कर्मधारय समास और दूसरा था द्वंद द्विगु समास। फिर उसके बाद में जो हमने कर्मधारय समास में चर्चा की उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय समास में बच्चों पूर्व पद जो होता है उसका महत्व होता है और कर्मधारय समास में उत्तर पद का जो है वो प्रधानता होती है और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है और अर्थ की जो दारमुदार जो जिम्मेदारी होती है वो उत्तर पद पर होती है। फिर हमने बात की बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। जब वो दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक नया ही अर्थ की रचना करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे समास के भेद नंबर 3 के बारे में और भेद नंबर 4 के बारे में। समास का तीसरा भेद है द्वंद समास और समास का चौथा भेद है अव्ययी भाव समास। समास का जो तीसरा भेद है द्वंद समास, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। द्वंद समास के अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं इसकी वो देखते हैं। द्वंद समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी उत्तर पद भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि पूर्व पद, यानी वहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। फिर योजक चिन्हों का लोप होता है, एक छोटा सा माइनस का साइन होता है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ये दो शब्दों के कनेक्टर के तौर पर काम आता है, दो शब्दों के बीच में जुड़ाव का काम करता है और इस योजक चिन्ह का अर्थ होता है और, तथा, या, एवं। यानी या तो ये योजक चिन्ह लगेगा और अगर ये योजक चिन्ह नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है या तो और, तथा, या, एवं आदि शब्द का लोप होगा। अगर इन सब शब्दों का लोप होगा तो योजक चिन्ह लगेगा और अगर योजक चिन्ह का लोप होगा तो ये जो चारों शब्द हैं इनमें से कोई सा भी शब्द लगेगा। जरा हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। माता योजक चिन्ह पिता, पाप योजक चिन्ह पुण्य, दिन योजक चिन्ह रात, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। अच्छा योजक चिन्ह बुरा, मतलब बहुत सारे इन शब्द हैं। जरा अब हम इन शब्दों के बीच में जो ये योजक चिन्ह है इनको हटाएं। माता और पिता, माता तथा पिता, माता या पिता, माता एवं पिता। आपने देखा यहां पर किसका लोप हो रहा है, या तो योजक चिन्हों का लोप हो रहा है तो इनमें से कोई शब्द आ रहा है और अगर इन शब्दों में से किसी का लोप हो रहा है तो योजक चिन्ह लगाया जा रहा है। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं अव्यय भाव समास की। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय होते हैं वो विकारी शब्द। ये विकारी शब्द होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। पहला पद अव्यय भाव समास में अव्यय होता है, पहला पद अव्यय भाव समास में अव्यय होता है और ये पद प्रधान होता है, यानी कि इस पद की पूरी इंपॉर्टेंस होती है और उत्तर पद में कोई भी शब्द हो सकता है। कहने का मतलब पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो और उत्तर पद में कोई भी शब्द हो, क्योंकि अव्यय भाव समास में शब्द का अर्थ जो है वो पूर्व पद के आधार पर बदलता है। देखिए जरा, भर पे
दिन, प्रतीक्षण, बे असर, ये सब क्या है बच्चों? ये सब अव्यय हैं, जो शब्द के पहले लग रहे हैं और शब्द का अर्थ बदल रहे हैं। यानी कि जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के आधार पर किसी भी तरीके से परिवर्तन हो जाए। भर पेट, भरा हुआ है जिसका पेट। हर दिन, हर रोज घटित होने वाला। प्रतीक्षण, हर क्षण घटित होने वाला। बे असर, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता हो। बच्चों देखो, आज की क्लास में जो ये हमने टॉपिक पढ़ा समास पार्ट थ्री के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमने समास के भेद नंबर 3 और भेद नंबर 4 के बारे में चर्चा की। समास का भेद नंबर 3 कौन सा है प्यारे बच्चों? समास का भेद नंबर 3 जो है वो है द्वंद समास। द्वंद समास क्या होता है, एक बार दोबारा से देखते हैं। द्वंद समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, योजक चिन्ह का लोप होगा या फिर और, तथा, या एवं। यानी अगर योजक चिन्ह लग रहा है तो इन चारों में से किसी का लोप होगा, ये चारों लग रहे हैं तो योजक चिन्हों का लोप होगा। द्वंद समास और विगु समास दोनों में शब्दों की पहचान करने का एक जो मेन तरीका है वो कैसे है? द्वंद समास में और का लोप होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है, और जहां ये आपको योजक चिन्ह नजर आ जाए वो हमें तुरंत समझ जाना है कि वो द्वंद समास है। और जब द्वंद समास की हमने बात की तो देखिए, माता योजक चिन्ह पिता, दिन योजक चिन्ह रात, पाप योजक चिन्ह पुण्य। यहां पर माता और पिता, माता तथा पिता, माता या पिता, माता एवं पिता। दिन और रात, दिन एवं रात, दिन तथा रात, दिन या रात। पाप और पुण्य, पाप तथा पुण्य, पाप या पुण्य। तो बच्चों आपने देखा कि जो द्वंद समास है इसमें दोनों भी पद प्रधान हो गए, योजक चिन्हों का प्रयोग हो गया, और अगर योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ तो और तथा या का प्रयोग, या और एवं इत्यादि का प्रयोग हुआ। यानी इन दोनों में से अगर योजक चिन्ह लगेगा तो ये चीजें हट जाएंगी, और अगर और तथा या एवं का प्रयोग होगा तो योजक चिन्ह हट जाएगा। फिर हमने यहाँ पर इनके शब्दों को देखा। ये शब्द बेटा हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में हम कई बार 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 यूज करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं अव्यय भाव समास की, जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है। इन अव्ययों के आधार पर ही पूरे शब्द का अर्थ निर्भर होता है। पूर्व पद ही प्रधान होता है और उत्तर पद में कोई भी शब्द हो सकता है जिसका अर्थ परिवर्तित करना है। तो बच्चों देखा आपने, हमने आज की क्लास में इन दो समासों के बारे में चर्चा की। इससे पिछली वाली क्लास में भी हमने दो समासों के भेद और प्रभेद पढ़े थे, और इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समास का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको जो मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करवा रही हूँ, जो ये टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, शायद ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ये टॉपिक्स की मदद के लिए बच्चों मैं आपको यूट्यूब के लिंक शेयर कर रही हूँ, साथ ही साथ में आपको अपनी बुक में भी ये टॉपिक्स और अच्छी तरीके से पढ़ने को मिल जाएंगे। और बच्चों कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी आप जितनी मेहनत करोगे, जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको ये टॉपिक्स उतनी ही आसानी से, उतनी ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में पढ़ाया हुआ ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने घर पर भी पढ़ोगे, सुरक्षित रहोगे अपने घर पर, सेफ रहोगे, और जो काम कराया जा रहा है उसको करते रहोगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में, अगले वीक में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।